अदालत को लोगों के स्थायी समाधान के लिए बनाया गया है। इसी के चलते मुरादाबाद में स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कई राजस्व से संबंधित वादों का निस्तारण किया गया। यहां विधि सलाहकारों ने बताया कि इस तरह की लोक अदालतों में आकर ग्राहकों को स्थायी समाधान प्राप्त होता है। यहां जो लोग वित्तीय वादों में चल रहे हैं वो आकर अपनी सहूलियत के हिसाब से एक मुफ्त समाधान करवाते हैं, पर जो फैसला लोक अदालत में होता है वह सर्वमान्य होता है। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। किस चीज को लेकर आपने आज? ये प्री लिटिगेशन लोक अदालत है और हम टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से जो NPA केसेस है और जहाँ पे कस्टमर ने डिफॉल्ट किया हुआ है उस अकाउंट को सेटल करने के लिए ये हमने प्री लिटिगेशन लोक अदालत में आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इसको राष्ट्रीय लोक अदालत के तत्वाधान के अंतर्गत यहाँ पे ऑर्गेनाइज है। जो भी कस्टमर है अपने अकाउंट सेटल करना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट है उसमें हम वेवर को ग्रांट करते हैं, या वो अकाउंट को रेगुलराइज करना चाहते हैं या उनके किस्तें बनाना है तो उनको हम किस्त बना देते हैं जिससे कि वो अपने लोन को रेगुलराइज करा सके या सेटलमेंट करा सके। इस तत्वाधान में आज यहाँ पे आए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कपूर, सिंडिकेट बैंक से। किस चीज़ को लेकर आपने आज लोक अदालत में कैंप लगाया? राष्ट्रीय लोक अदालत है जो हमारे खातेदार हैं NPA कस्टमर्स हैं उनको हमने नोटिस दिया है कि यहाँ पे आके अपना जो भी सेटलमेंट चाहते हैं मैं कर सकता हूँ। 20 पार्टियों को दिया है नोटिस। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि जो बैंक से कर्जा लिया है उसको सही समय चुकाएं ताकि इस तरह की अदालतों का आवेदन ना करना पड़े ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए कि जो हमने ये पैसा लिया है जनता से पैसा लिया है जनता वापस करना होता है बैंक की जिम्मेदारी पे है, तो कम से कम ये है कि वो सही ढंग से चुकाएं उसे ताकि और लोगों में वो जा सके।